चलो थोड़ा सा और 2 गज की दूरी बना देते हैं। एक बार फोटो होगी आप जी। चित्तौड़ जिले में ये मेरी पूरी रेंज में हम अपराध और अपराधी के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेंगे। अपराधी कितना ही बड़ा हो उसको हम किसी भी स्थिति में टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और जो भी जिस तरह का अपराध होगा उसका जो भी स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन हो सकता है वो एक्शन लेकर के हम जिले में एक साफ सुथरा पुलिस प्रशासन देने का प्रयास करेंगे। इसके एसपी साहब के आने के बाद इस सिस्टम पे काफ़ी कंट्रोल लगा है। इनके अनुभव से, आप लोगों की जानकारियों से, स्टाफ के एनालाइज जो चीज़ें बताएंगे उनके करने से एक अच्छा एक्शन प्लान बना करके इसकी पूरी चैन सिस्टम को तोड़ने का हम प्रयास करेंगे। जो जो ग्रास रूट है, जो प्रोडक्शन लेवल से लेकर के बाद में जिस तरह की जो आप तस्करी की बात करते हैं उनके सारे रूट्स का पता करके, उनके कॉज रूट्स का पता करके उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर के हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि क्राइम और क्रिमिनल उनके खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की स्थिति रखेंगे, भले हमारा पुलिस का याद भी हो जाए। नवाचार में देखिए, अब हमारी अब की बार श्रीमान DGP साहब ने पुलिस की प्राथमिकताएं 2021 तय की हैं। उन प्राथमिकताओं के आधार पर हम एक पूरे राज्य में और पूरे रेंज में एक इंटीग्रेटेड इफर्ट करके एक अच्छा पुलिस प्रशासन देने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए प्राथमिकताएं हैं वो सबसे मूल चीज़ होंगी।